कलम रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इस सब की बात किए थे बच्चे। थोड़ा सा हम एक और ऐड कर दें, एंगल बिटवीन टू कर्व। जैसे हमको निकालना है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, और थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू फोर है, ठीक है। एंगल बिटवीन कर्व्स, कितना एंगल होगा इनके बीच में ये बताओ बच्चे। बोलो बच्चे इसके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों के लिए dy बाई dx निकालेंगे तो स्लोप मिलेगा, एंगल बिटवीन कर्व्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप का प्रोडक्ट अगर माइनस वन हो गया इसका ये मतलब होता है कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। इन दो कर्व के बीच में आपको एंगल कैलकुलेट करना है। आयुष आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। बताओ कुछ बोलना चाह रहे हो तो। नो सर। दोनों के लिए dy बाई dx निकाल लेते हैं बच्चे। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा बीटा, ये 3x स्क्वायर है माइनस, इसको डिफरेंशिएट किया तो 3y स्क्वायर x का वन हो गया, और y स्क्वायर का 2y dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। यहां से dy बाई dx आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन माइनस 6xy, और आप बोल सकते हो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2xy। ये कर्व फर्स्ट के लिए dy बाई dx हो गया। कर्व सेकंड के लिए निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x तो 6xy 3x स्क्वायर dy बाई dx प्रोडक्ट रूल लगाया है माइनस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से dy बाई dx आ गया माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मान लो इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप है m2, स्लोप का प्रोडक्ट हमको माइनस वन नजर आ रहा है बच्चे। आप अल्फा बीटा पे भी देखोगे ना माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब एंगल बिटवीन कर्व ये पाई बाई टू होगा, ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहा है बच्चे, ठीक है।
यस सर। ये भी ध्यान रखना है हमको, ये रिजल्ट की तरह दो कर्व अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है और एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो देखना है। One by small a minus one by capital a equals to one by small b minus one by capital b। Very good, apply करने आना चाहिए, ठीक है? Yes sir। Generally ellipse और hyperbola के केस में apply हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे ax square plus by square equal to one है, तो a 2x plus b 2y dy by dx equal to zero, तो dy by dx हो जाएगा minus ax by by, तो dy by dx at point of intersection, मान लो alpha beta point of intersection है, तो minus a alpha by b beta हो जाएगा। और ये कर्व फर्स्ट के लिए हुआ। सिमिलरली कर्व सेकंड के लिए dy by dx at alpha beta पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ऐसा आ जाएगा। ऑर्थोगोनली कट कर रहा तो स्लोप इसका प्रोडक्ट ए अल्फा बी बीटा ये माइनस वन हो जाएगा बच्चे। तो यहां से ए ए बी बी माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा कर्व पे है तो कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा, यहां से अगर माइनस करोगे तो ए माइनस ए अल्फा स्क्वायर बी माइनस बी बीटा स्क्वायर जीरो के बराबर होगा। तो यहां से माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा बच्चे। तो थर्ड से और फोर्थ से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप लिख पाओगे ए बाई बी बीटा, ऐसा लिख पाएंगे। तो यहां से आ जाता वन बाई कैपिटल ए माइनस वन बाई स्मॉल ए इज इक्वल टू वन बाई कैपिटल बी माइनस वन बाई स्मॉल बी, और आप लिख सकते हो वन बाई कैपिटल ए माइनस वन बाई कैपिटल बी इज इक्वल टू वन बाई स्मॉल ए माइनस वन बाई स्मॉल बी। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर याद रहे तो थोड़ा सा जल्दी बन सकता है बच्चे। आप देखना इलिप्स या हाइपरबोला वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है मोर देन वन चॉइस में, वहां पे ये यूज हो जाएगा, ठीक है? यस सर। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया, एडवांस लेवल में आया, देखिए जल्दी आप बना पाते हो कि नहीं।
इंटीजर का एट नंबर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y माइनस x का पावर 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर एक मिनट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, एट 1.3 निकालना है. जल्दी से निकाल के बताओ बच्चे. एट आ रहा है सर. सर एट आ रहा है. अच्छा तुम लोग का बिट्स का एग्जाम नहीं है क्या प्रीतम? है सर. कब है? कल है सर. अच्छा मेरा तो अरुण सर भरा ही नहीं था. बिट्स नहीं भरा था? नहीं सर. क्यों सर? वो थोड़ा लेट पता लगा था, तब तक हो चुका था सारा काम. क्या यार इतना अच्छा चीज भरा नहीं तुमने. अरे आईटी नहीं मिलता तो नेक्स्ट उसी की बारी होती है. पेपर बहुत आसान होंगे प्रीतम, समझे? बिट्स के पेपर बहुत आसान होते हैं, स्कोर ज्यादा करनी होती है. यस सर. 450 का पेपर होता है अप्रोक्स. अगर 375 380 के आसपास आता है ना तभी कंप्यूटर साइंस मिलती है. निकला किसी बच्चे का? यशस्वी yes,
स्लोप निकालना है बच्चे, डीवाई बाई डी एक्स बस निकालना है। इसका क्या हो जाएगा, टू वाई माइनस एक्स के पावर फाइव, फिर अंदर वाले का हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स माइनस फाइव एक्स का पावर फोर। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, एक्स का वन हो गया, इसको छोड़ दिया, एक्स को छोड़ दिया, फिर इसको करोगे तो टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स आएगा। हमको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, टू वन कॉमा थ्री कोऑर्डिनेट रख दो, वन कॉमा थ्री इसकी जगह थ्री रखना है, इसकी जगह वन रखना है। डीवाई बाई डी एक्स माइनस फाइव, यहां थ्री रखने पे कितना आ रहा है, नाइन प्लस वन टेन, उसका स्क्वायर हंड्रेड हो गया बच्चे, प्लस फोर सॉरी नाइन क्यों, एक्स की वैल्यू तो वन रखनी है ना, हाँ yes, तो यहां से कितना आएगा, फोर आएगा ना, प्लस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स तो वन हो गया, इंटू टू ट्वेल्व आ रहा बच्चे ये वाला, तो डीवाई बाई डी एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री, तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट के बराबर आ रही है बच्चे। तो और कोई केमिस्ट्री की चीज है, क्या हुआ प्रीतम? कुछ नहीं सर। तो कभी कभी देखो ये आईटी एडवांस में आया हुआ सिंपल क्वेश्चन भी आ जाती है बच्चे, ठीक है। और ये देखो एडवांस 2015 में क्या आया, जरा इसको भी देखिए आप जरा, इंटीजर का क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन बैंक है तो निकाल लो इसको बच्चे। ए सिलिंड्रिकल कंटेनर इज टू बी मेड फ्रॉम सर्टेन सॉलिड मटेरियल विथ फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। इट हैज ए फिक्स्ड इनर वॉल्यूम ऑफ वी एमएम क्यू, हैज ए 2 mm thick solid wall and is open at the top. Inner volume V रखा गया है, thickness 2 रखा गया है, मतलब सिलेंडर है ना उसका, जैसे ये सिलेंडर है ऐसे, तो इनर का वॉल्यूम हो गया ये, इसकी थिकनेस हो गई बच्चे, ठीक है। थिकनेस है उसका 2 mm का, टॉप में खुला हुआ है। द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज ए सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस 2 mm, वहां पे भी उसकी थिकनेस 2 mm है, एंड इज रेडियस ऑफ द आउटर रेडियस ऑफ द कंटेनर, द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज ए सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस 2 mm एंड इज ऑफ रेडियस इक्वल टू, उसकी जो रेडियस इक्वल है आउटर रेडियस ऑफ द कंटेनर है। ए वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम व्हेन द इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 10 mm, देन वी अपॉन 250 इज। क्वेश्चन बैंक निकाल लो, अपने से ट्राई करके देखिए इसको। जैसे ये सिलेंडर है, ऊपर से ये ओपन है, ठीक है, और इसकी थिकनेस भी है बच्चे, ये थिकनेस भी दी हुई है, और यहां पे भी ये ऐसे करके है,
ऐसे सिलेंडर है बच्चे, ऊपर से ओपन है ये, यहाँ पे सॉलिड डिस्क है ऐसे करके, अंदर का वॉल्यूम भी है और इसकी थिकनेस 2 है, ठीक है, इसकी भी थिकनेस 2 दी हुई है। तो इसको बनाने में जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम, मिनिमम करना है जब रेडियस ऑफ इनर कंटेनर, इसका इनर कंटेनर जो है उसका रेडियस जब 10 mm है तब की बात करनी है। तो अंदर वाले की रेडियस अगर r होगी तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, r प्लस 2 हो जाएगा बच्चे, है कि नहीं। अंदर वाले का वॉल्यूम v है तो जो मटेरियल यूज हो रहा है बाहर वाले का वॉल्यूम में से क्या माइनस कर दें, आपको ये निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम, व्हेन रेडियस ऑफ, व्हेन इनर रेडियस ऑफ कंटेनर इज 10 mm, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड को मिनिमाइज करना है और आपको v अपॉन 250 पाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ट्राई करो इसको। अंदर वाले की रेडियस आर मान लो बच्चे, इसका आर हो गया, बाहर वाले का आर प्लस 2 हो जाएगा, इंटरनल हाइट इसकी एच मान लो, जबकि नीचे तक आएगा एच प्लस 2 आएगा बच्चे, इनर जो दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे, VMMQ इस फिक्स्ड इनर है, V गिवन है, V कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक कंटेनर, क्या लिखें इसका, कुछ नाम दे दो, वी डैश नाम दे दिया, बताओगे, पाई आर प्लस 2 का स्क्वायर एच पाई आर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू एच, तो ये तो
बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ, और अंदर वाले का हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। ये तो जो साइड में यूज हो रहा ना उसमें चला गया, फिर ये जो सॉलिड डिस्क है उसमें भी गया होगा। बोलो बच्चे, सॉलिड डिस्क में कितना गया होगा? पाई आर प्लस टू का होल स्क्वायर इनटू टू। हाँ, पाई आर प्लस टू का होल स्क्वायर इनटू टू, इनटू टू हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दो के टर्म में है, एच और आर के टर्म में है, तो आप क्या करो बच्चे, स्मॉल एच को आप इसका यूज करके आर के टर्म में कर दो, तो ये हो गया पाई आर प्लस टू का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, और एच की जगह हमने लिख दिया वी, वॉल्यूम ऑफ इनर ये वाला है, वी इंटू पाई आर स्क्वायर है, प्लस टू पाई आर प्लस टू का स्क्वायर हो गया। अब यहां से आपका पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर दो, तो ए प्लस बी में आएगा टू आर प्लस टू, और माइनस करने पे ये टू आएगा, वी बाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर प्लस टू का स्क्वायर, आर का फंक्शन बन गया बच्चे, ये हमारे पास आ गया, इसका टू कॉमन लेके फोर भी, और ये आर प्लस वन है, डिवाइड करके यहाँ पे वन बाई आर आएगा और एक वन बाई आर स्क्वायर आएगा, प्लस टू पाई आर प्लस टू का स्क्वायर। जहां पे भी ये मैक्सिमम मिनिमम होगा वहां पे डी वी डैश अपॉन डी आर, ध्यान रखना है स्मॉल वी कॉन्स्टेंट है, ये जीरो होगा, और डबल डेरिवेटिव वहां पे क्या होगा बच्चे मिनिमम के लिए? पॉजिटिव होगा। तो आप क्या करो, डीबी डैश अपॉन डी आर को जीरो करके निकाल लो कि आर की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। सर आर की वैल्यू आ रही है वी नॉट बाई पाई रेस टू दी पावर वन बाई थ्री। आर की क्या वैल्यू आ रही है? वी बाई पाई रेस टू दी पावर वन बाई थ्री, मतलब आर क्यू आ जा रहा है वी बाई पाई ना? यस सर, ये आर क्यू की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके लिए डबल डेरिवेटिव दिखाना पड़ेगा, या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर लेना, तो उस समय जब r की वैल्यू 10 होगी, मतलब इसी वैल्यू के लिए आ रहा है, तो r की वैल्यू 10 होगी तो आप निकाल सकते हो ना, ये b बाई टू फिफ्टी पाई कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। जब r की वैल्यू 10 mm करोगे तो ये 1000 आ जाएगा ना, तो b बाई इतना ये हो जाएगा, और इसके लिए बस आपको एक स्टेप दिखाना होगा, अगर सब्जेक्टिव है तब, हालांकि क्वेश्चन इंटीजर टाइप का तो डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये होता है एक वर्ड प्रॉब्लम बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम के भी आने के चांस रहते हैं, कौन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन का आपको, एक तो टेंजेंट नॉर्मल होता है, एक एंगल बिटवीन टेंजेंट की एंगल बिटवीन कर्व की बात होती है, एक वर्ड प्रॉब्लम होता है, रॉल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होती है, इसको एक बार देखिए दोबारा से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव में 41। एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और जी एक्स को डिफाइन किया गया है एफ डेस एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डबल डेस एक्स इंटू एफ एक्स। क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया है, आप ब्रैकेट हटा देना, ऐसे दिया हुआ है। और ये फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से लेके ई में, और ए बी सी डी ई ऐसा कंडीशन है, ए पे वैल्यू जीरो है, बी पे वैल्यू टू है, सी पे माइनस वन है, डी पे टू है, ई पे जीरो है। बार बार ये क्वेश्चन बताने का सिर्फ पर्पस है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जी एक्स, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जी एक्स, ठीक है। जी एक्स के रूट की बात करनी है तो पहले ये देख लो कि जी एक्स जो है वो किसका डेरिवेटिव है। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये डेरिवेटिव है एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स की। इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है बच्चे, डेरिवेटिव के रूट की बात करनी है, इसका डेरिवेटिव ये है। कहने का मतलब है कि अगर एच एक्स है एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स, तो बेसिकली जी एक्स जो है वो एच डेस एक्स है, यही ना। कौन सा थ्योरम डेरिवेटिव के रूट की बात करता है बच्चे? रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम आपको अप्लाई करना होगा एच एक्स पे, तो इसके डेरिवेटिव के रूट की बात होगी, मतलब जी एक्स के रूट की बात होगी। चलो अब जरा हम यहां पे देखते हैं, एच एक्स के बारे में सोचते हैं। पहले ये ग्राफ जो बनाए, अगर एफ एक्स का ग्राफ बनाए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, एक रफ आइडिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ए पे वैल्यू जीरो है, बी पे वैल्यू टू है, सी पे वैल्यू माइनस वन है, डी पे टू है, ई पे जीरो है ना। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। अब ये देखो, ये तो क्लियर पता चल रहा है कि एफ एक्स यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है। अब ऊपर से नीचे गया होगा तो कम से कम एक जगह कट किया होगा, और नीचे से ऊपर गया होगा तो कम से कम एक बार कट किया होगा सी और डी के बीच में, हाँ या ना? यस सर। यानी एफ एक्स जीरो हो गया होगा एटलीस्ट एट 4 points, ये समझ में आया। जो नेक्स्ट बात बताने जा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझिएगा। ये एडवांस कैटेगरी का ये है, और एक और क्वेश्चन है, ये दोनों आपको अच्छे से समझना है। अब ये देखो, अगर कर्व गया है ऊपर से नीचे आया होगा तो बेंड किया होगा ना भाई, ऊपर से नीचे आया, डिफरेंशिएबल है, तो
तो हो सकता है कि कर्व ऐसे करके गया होगा, हाँ या ना? हो सकता है कि कर्व ऐसे गया होगा, बोलो। बोलो बच्चे, आपको नीचे कर्व करना है तो नीचे कर्व बहुत तरीके से कर सकते हो ना, लेकिन कैसे भी करो कम से कम हो सकता है कि आप ये ऐसे ले गए होगे और ऐसे आ गया हो, है कि नहीं? तो ऊपर से नीचे अगर कर्व आया है ना, तो कम से कम एक जगह पे एफ डैश एक्स जीरो हुआ होगा। बेंड करने का मतलब है कि वहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सिमिलरली नीचे से अगर ऊपर गया है तो फिर से एफ डैश एक्स कम से कम एक जगह जीरो होगा, ऊपर से नीचे आया है तो फिर से एफ डैश एक्स जीरो हुआ होगा, यानी एफ डैश एक्स जीरो हुआ होगा एटलीस्ट एट 3 points, इससे ज्यादा पे भी हो सकता है लेकिन कम से कम इतना हुआ होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. तो एच एक्स जीरो हो गया एटलीस्ट एट 7 points, 7 points. चार इसके चक्कर में, तीन इसके चक्कर में, मतलब जीरो हो गया। एच एक्स की वैल्यू 7 जगह पे सेम है। रॉल्स थ्योरम क्या कहता है? जिन दो जगह पे वैल्यू सेम है उसके बीच में उसका डेरिवेटिव जीरो होगा कम से कम एक बार। बोलो भाई, दो जगह पे सेम वैल्यू कहने का मतलब जरूरी थोड़ी कि दोनों जगह वैल्यू 5-5 हो, 0-0 भी हो सकता है। 7 जगह पे एच एक्स की सेम वैल्यू है, यानी एच डैश एक्स जीरो हो गया होगा एटलीस्ट एट 6 points यूजिंग रॉल्स थ्योरम। ये समझ में आया बच्चे? यानी जी एक्स जीरो हो गया होगा एटलीस्ट एट 6 points, यानी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जी एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, बोलो बच्चे। कुछ बोल नहीं रहे हो? यस सर। समझ में आ रही है ना बात? यस सर। तो ध्यान रखना, इसका पैसेज नंबर जो 3 बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का है, ये जो क्वेश्चन बताया उसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसी को, इस क्वेश्चन को देखिए, जरा इसका कुछ पार्ट लेते जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांस पेपर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बच्चे। एफ कोई फंक्शन है जिसका डोमेन आर है और कोडोमेन -2 से लेकर 2 तक है। कंडीशन दिया हुआ है एफ जीरो स्क्वायर प्लस एफ डैश जीरो स्क्वायर, ये 85 दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सब कहानी है। मेन ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन कह रहा है कि -4 से 0 में सच दैट -4 से 0 में एफ डैश एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू 1 होगा। जैसे ये ऑप्शन चेक करना है, देयर एग्जिस्ट, एक मिनट,
देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग टू माइनस फोर टू जीरो सच दैट एफ डेस एक्स नॉट का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू वन होगा. ठीक है बच्चे, पहले इसको चेक करते हैं. देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट माइनस फोर से जीरो जहां पे ये लेस देन इक्वल टू वन होगा. एफ का जो आउटपुट है माइनस टू से टू है, मैक्सिमम टू है, मिनिमम माइनस टू है. चलो तो अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दें माइनस फोर से जीरो में तो क्या लिखेंगे? एफ जीरो माइनस एफ माइनस फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट लिख लिया जैसा क्वेश्चन है, जहां पे एक्स नॉट बिलोंगिंग टू माइनस फोर से जीरो. लिख सकते हैं बच्चे मीन वैल्यू थ्योरम से? यस सर. अब ये बताओ एफ जीरो की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? यहां से देखो एफ का जो आउटपुट है यही है ना, माइनस टू से टू के बीच में है, ये कोडोमेन है, इससे बाहर तो नहीं हो सकता ना. हाँ ना, कुछ तो बोलिए. तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि भाई एफ जीरो की जो वैल्यू है वो माइनस टू से टू हो सकती है, एफ माइनस फोर भी माइनस टू से टू हो सकता है. तो जो इसका डिफरेंस है वो जा सकता है माइनस फोर से लेके फोर तक जा सकता है डिफरेंस. ये भी माइनस टू हो जाए और ये भी टू हो जाए तो डिफरेंस माइनस फोर पे चला गया. ये टू हो जाए, ये माइनस टू हो जाए तो डिफरेंस यहाँ पे आ गया. हाँ या ना? यस. तो एफ जीरो माइनस एफ माइनस फोर इसका मॉड लेस देन इक्वल टू फोर हो गया. तो एफ जीरो माइनस एफ माइनस फोर बाई फोर का मॉड लेस देन इक्वल टू वन हो गया. और यही है आपका एफ डैश एक्स नॉट, इसका मॉड लेस देन वन हो गया. बच्चे बोलो ये स्टेटमेंट सही हो गया ना? यस. अच्छा, सेम लॉजिक से आप फोर से जीरो से फोर में भी ये बात प्रूफ कर सकते हो. With same explanation, there exist, कुछ अलग नाम दे देते हैं, एक्स वन नाम दे देते हैं, belonging to जीरो से फोर such that एफडेस एक्स वन का मॉड लेस देन वन हो जाए. बोलो बच्चे. ये ठीक है, तो ये ऑप्शन में रहेगा तो इसको भी टिक कर दोगे, ये ऑप्शन में रहेगा तो इसको भी टिक कर दोगे. अब हम क्या करते हैं, ये कोई फंक्शन ऐसे करके है जहां पे जीरो पे उसकी वैल्यू 85 है. तो मान लो कंसीडर फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डेस एक्स का स्क्वायर. इसको हम कंसीडर कर लेते हैं फंक्शन को. कंसीडर फंक्शन
जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डेस एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन में ये है, ये अलग से हम लिखें, ये आपसे प्रूफ करने के लिए दे रहे हैं। देयर एग्जिस्ट अल्फा माइनस फोर से फोर के बीच में सच दैट एफ अल्फा प्लस एफ सच दैट एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा जीरो होगा एंड एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें देयर एग्जिस्ट अल्फा माइनस फोर से फोर के बीच में सच दैट ये वाला जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखिए जरा। फंक्शन कंसीडर कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा। आपने ये दिखा रखा है माइनस फोर से जीरो में, आपने दिखा रखा है एक आपको एक्स वन मिलेगा, एक्स नॉट की जगह एक्स वन दे दिया हमने नाम, एक्स वन मिलेगा जहां पे एफ डेस एक्स वन का जो मॉड होगा वो लेस देन वन होगा। एक्स टू आपको मिल रहा है जीरो से फोर के बीच में जहां पे इसका मॉड वन से कम होगा, कम से कम एक पॉइंट मिल रहा है इसमें, ठीक है बच्चे बोलिए। यहां पे एक बात बताओ, अगर मान लो कि एक जी एक्स फंक्शन लेते हैं, जी एक्स फंक्शन हमको लिए हुए थे एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डेस एक्स का स्क्वायर। चलो इस फंक्शन की वैल्यू अगर मान लो एक्स वन पे हमने निकाला तो क्या होगा बताओगे जरा? ये एफ एक्स वन का स्क्वायर प्लस ये एफ डेस एक्स वन का स्क्वायर हो गया। एफ की जो रेंज क्वेश्चन में दी हुई थी, को डोमेन जो दिया हुआ था माइनस टू से टू है, तो उसका स्क्वायर कहां से कहां तक जा सकता है? ये लेस देन वन था, जीरो से फोर। हाँ, तो ये जो क्वांटिटी होगा जी एक्स वन ये किससे कम होगा भाई? ये फोर से कम है, ये वन से कम है, तो ये फाइव से कम होगा ना? यस सर। सिमिलरली जी एक्स टू, एक्स टू पे भी निकालोगे तो ये भी फाइव से कम होगा। और जीरो पे जो वैल्यू दी हुई है वो 85 दी हुई है। जी फंक्शन का वैल्यू जीरो पे 85 दिया हुआ है। तो ये बताओ जो अभी ग्राफ बनाया था, ये माइनस फोर से जीरो है, ये जीरो से फोर है, जीरो पे वैल्यू 85 है, यहां पे कहीं एक्स वन है, यहां पे कहीं एक्स टू है, तो एक्स वन पे वैल्यू फाइव से कम है, मान लो यहां पे ऐसा है, और एक्स टू पे भी फाइव से कम है, कुछ ही ऐसा है मान लो। तो कर्व जब गया ऐसे, जो अभी समझाया था, कर्व अगर जैसे नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो क्या हुआ होगा? मैक्सिमम। अरे बच्चे कम से कम, जैसे मान लो कि ऐसे करके गया होगा, ठीक है, ऐसे करके अगर गया होगा तो बीच में एफ डेस एक्स जीरो हुआ होगा ना?
ग्रेटर देन 85 और इक्वल टू, भाई अभी बताए नीचे से कर्व ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे आएगा तो कम से कम एक जगह पे जी डैश एक्स जीरो होगा। कुछ तो बोलिए। अच्छा मान लो कि अगर ऐसे हुआ, ऐसा हुआ मान लो इस तरह का तुमने बनाया, तो ये मान लो पॉइंट अल्फा है, तो अल्फा पे आपको मैक्सिमा मिला और यहाँ पे वैल्यू 85 से ज्यादा होगा, और कर्व अगर आपने ऐसे बनाया मान लो तो अल्फा ये वाला हो गया, अल्फा पे वैल्यू 85 हो गया। ये तो कंफर्म है ना कि अल्फा आपको मिलेगा x1 से x2 के बीच में, ताकि जी डैश अल्फा जीरो हो जाए और अल्फा जो है x इक्वल टू अल्फा पे आपको मैक्सिमा भी मिला। ये समझ में आया? यस सर। अब वो अल्फा जीरो भी हो सकता है, इधर लेफ्ट भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 85 या 85 से बड़ी होगी। बोलो बच्चे ये बात ठीक से समझ में आया? सबसे पहले कर्व अगर मान लो ऊपर गया और नीचे आया तो कहीं ना कहीं जी डैश एक्स जीरो हुआ होगा, जहां पे भी जीरो हुआ होगा क्योंकि सेप ऐसा है तो वहां मैक्सिमा हुआ होगा, और मैक्सिमा हुआ होगा तो हो सकता है कि वहां पे वैल्यू 85 हो या हो सकता है 85 से ज्यादा हो। बोलो बच्चे जी डैश अल्फा निकालो जरा, जी डैश एक्स कितना है, जी डैश एक्स है 2fx, एफ एक्स का एफ डैश एक्स प्लस 2f(x) एफ डबल डैश एक्स, ठीक है? बोलो बच्चे तो ये 2f(α) एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा, जहां पे अल्फा एक्स वन एक्स टू के बीच में है और एक्स वन खुद माइनस फोर से जीरो के बीच में है, एक्स टू जीरो से फोर के बीच में है। बोलो बच्चे यहां से आइदर आइदर एफ डैश अल्फा जीरो होगा और एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा जीरो होगा। अब हम ये दिखा देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है जरा देखो, पहली इक्वेशन से जी अल्फा जो होगा एफ अल्फा का स्क्वायर प्लस एफ डैश अल्फा का स्क्वायर होगा, और ये वाला जीरो है और ये एफ अल्फा का स्क्वायर हो गया, और जी अल्फा 85 या 85 से ज्यादा है, जी अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है, लेकिन एफ अल्फा का स्क्वायर कहां से कहां होगा, एफ की जो कोडोमेन है माइनस टू से लेकर टू तक दी हुई थी, जीरो से फोर होगा, मतलब ये लेस देन फोर होगा ना? Yes, sir. तो ये लेस देन फोर है और ये लेस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है, तो क्या कभी ये बैलेंस होगा? नो सर। दिस इंप्लाइज एफ डैश अल्फा कैन नॉट बी जीरो, तो इसको होना पड़ेगा। ये ठीक से समझ में आया बच्चे? यहाँ ओवरऑल अगर आप ये समझो तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात है कि ये फंक्शन है जिसकी जीरो पे वैल्यू दी हुई है, और ये फंक्शन की वैल्यू ये फाइव से कम है। अगर आप सिंपल सी बात अगर देखो तो क्वेश्चन का नेचर कुछ ऐसा है, कोई भी फंक्शन है उसका एक्स वन पे वैल्यू 5 से कम है, x2 पे वैल्यू 5 से कम है,
और जीरो पे वैल्यू 85 है, ठीक है, और ये x1 दिया हुआ है माइनस फोर से जीरो, ऐसा कुछ है, ये x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे वैल्यू 5 या 5 से कम है, नीचे है, यहाँ पे भी 5 या 5 से कम है और जीरो पे ऊपर है, तो ये तभी होगा जब बीच में कहीं ना कहीं अगर ये डिफरेंशियबल फंक्शन है, जी डेस एक्स जीरो हो गया होगा। बात समझ में आ रही है? आप कह सकते हो कि आप यह सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि जी डिफरेंशियबल फंक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जी डिफरेंशियबल फंक्शन है, तो आप कह सकते हो कि अल्फा आपको मिलेगा एक्स वन और एक्स टू के बीच में, जहां पे जो वैल्यू होगी वो 85 या 85 से ज्यादा हुई होगी। प्रीतम ये समझ में आया बच्चे? यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मोर देन वन चॉइस में एओडी में इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये भी एडवांस 2016 का है, 17 नंबर। उसमें क्या कह रहा है कि एफ रियल टू जीरो से इन्फिनिटी, मतलब एफ का कोडोमेन रेंज इसी के इंटरवल में आएगा, जी मतलब एफ पॉजिटिव है, ये मतलब हुआ, और जी का है आर टू आर, ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन, एफ डबल डैश जी डबल डैश आर कंटिन्यूअस फंक्शन, और एफ डैश टू जी टू ये जीरो दिया हुआ है, और एफ डबल डैश टू नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड जी डैश टू नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ एक्स इंटू जी एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, ये वन दिया हुआ है, चार ऑप्शन है क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे। यहां पे क्या है, इसकी लिमिट वन दी हुई है, जरा इसको लेके चले, एफ एक्स इंटू जी एक्स है और एफ डेस एक्स जी डेस एक्स है, तो टू रखने से जी टू की वैल्यू जीरो है और एफ डैश टू भी जीरो है, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया बच्चे। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल से हम बना सकते हैं, ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका हो गया एफ एक्स जी डैश एक्स, और जी एक्स को छोड़ दिया, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा, नीचे में आएगा एफ डैश को छोड़ दिया तो इसका जी डबल डैश एक्स, और जी डैश एक्स को छोड़ दिया एफ डबल डैश एक्स। टू रख के अगर देखें यहां पे, टू रख के अगर देखें यहां पे, तो देखो क्या बात बनती है,
जैसी टू रखोगे तो ये तो खत्म हो गया और ये आ गया एफ टू जी डैश टू, क्योंकि जी डैश टू जीरो है नहीं और एफ क्या है, एफ आउटपुट ले रहा जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब ये पॉजिटिव है, अपॉन एफ डैश टू जी डबल डैश टू, ठीक है ना। सॉरी, इसमें क्या हो जा रहा है, ये वाला ये जीरो हो जाएगा टर्म, ये तो जीरो हो रहा ना, सेकंड वाला सर जीरो हो जाएगा, सेकंड वाला आएगा जी डैश टू एफ डबल डैश टू, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो आप इसको इससे कैंसिल कर लिए, तो ये एफ टू आ गया और ये एफ डबल डैश टू आ गया बच्चे, और इसकी वैल्यू वन दी हुई है, इम्प्लाइज एफ डबल डैश टू एफ टू के बराबर आ गया। ये समझ में आया बच्चे, ध्यान से देखो, एट एक्स इक्वल टू टू एफ डैश एक्स जीरो है, मतलब एफ डैश टू की वैल्यू तो जीरो है, बोलो एफ डैश टू तो जीरो है, और मतलब टू पे मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, और जो डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है वो एफ टू है, और एफ टू वैल्यू लेगा जीरो से लेके इन्फिनिटी में, मतलब ये वाला पॉजिटिव है, तो इसका क्या मीनिंग निकला बच्चे, टू पर मिनिमा है, तो एट एक्स इक्वल टू टू एफ हैज ए लोकल मिनिमा, ये समझ में आ गया। तो एक ऑप्शन आप ये कर सकते हो, और सेकंड आपके पास ये है कि आप कह सकते हो ये देख के F2 माइनस F डबल डैश टू जीरो है, तो आप कह सकते हो कि 2 इज द रूट ऑफ एफ एक्स माइनस F डबल डैश x इक्वल टू जीरो कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि कम से कम एक वैल्यू मिली होगी फॉर एटलीस्ट वन एक्स इन आर, ताकि एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स जीरो हुआ होगा। आई बस समझ में? यस सर। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक तो एल हॉस्पिटल का यूज है, और थोड़ा सा चालाकी से यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव ये आ गया, बस आपको ये क्लिक करना चाहिए कि ये जो वैल्यू है वो कंफर्म है पॉजिटिव होगी, क्योंकि एफ जो ले रहा है वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ले रहा है बच्चे। आई बात समझ में? बोलो। यस। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप ट्राई करो। इसमें कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स इन 0 से 1 द सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट, और एफ डबल डैश एक्स का जो मॉड है वो लेस देन 1 दिया हुआ है, इफ एफ 0 इज इक्वल टू एफ 1 देन सो दैट एफ डैश एक्स का मॉड लेस देन 1 होगा फॉर ऑल एक्स
इन जीरो से वन, ऐसे है क्वेश्चन। फॉर ऑल एक्स इन जीरो से वन, डबल डेरिवेटिव का मॉड वन से कम है, एफ जीरो इक्वल टू एफ वन दिया हुआ है, सो करना है कि एफ डेस एक्स वन से लेस हुआ होगा। फॉर ऑल एक्स जीरो से वन के बीच में हमेशा ये वन से कम हुआ होगा, ये आपको दिखाना है। ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, भरपूर यूज है एलएमबीटी का। एफ जीरो एफ वन के बराबर है, वहां से कंक्लूजन ड्रॉ करो रॉल्स थ्योरम से। बताओगे रॉल्स थ्योरम से क्या लिखें? एफ जीरो इक्वल टू एफ वन है, क्या लिखोगे? जीरो पे वैल्यू और वन पे वैल्यू सेम है, तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है? एक पॉइंट कम से कम सी मिलेगा जीरो से वन के बीच में, जहां पे एफ डेस सी जीरो हो जाएगा, यूजिंग रॉल्स थ्योरम। बोलो बच्चे, कम से कम एक जरूर मिलेगा, ये जीरो है, ये वन है, मान लो ये सी है, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है, हर एक्स के लिए जीरो से वन के बीच में हर एक्स मिलेगा जहां पे एफ डेस एक्स का मॉड वन से कम होगा, जबकि जीरो से वन के बीच में डबल डेरिवेटिव वन से कम दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। ये जीरो है, ये सी है, केस यही होगा ना। एक्स जब आप इसके बीच में लो, यहां लो, यहां लो, तभी बात आएगी ना। x जीरो से c के बीच में भी हो सकता है, c से वन के बीच में भी हो सकता है, c भी हो सकता है। बोलो बच्चे, yes, sir. चलो केस लेते हैं, मान लो फर्स्ट केस, मान लो हम यहां पे x ले रहे हैं जीरो से वन के, जीरो से c के बीच में, ठीक है। बेसिकली आप क्या करो, एक्स जो ले रहे हो सी से कम ले रहे हो, जीरो तक भी जा सकते हो। फिर मान लो एक्स जो है सी से लेस है, हमको हर जगह पे दिखाना है एफ डेस एक्स का मॉड वन से कम, तो हम पहले सी से पहले दिखा रहे हैं, फिर सी पे दिखाएंगे, फिर सी के बाद दिखाएंगे। मान लो यहां पे कहीं एक्स है, इधर में लेफ्ट साइड में है, तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दो एक्स से सी के बीच पे एफ डेस पे, क्योंकि
क्योंकि एफ डेस सी जीरो दिया हुआ है। एफ डेस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दो बच्चे, तो क्या लिखें? बोलो अरुण। भाई एफडेस पे अप्लाई करो ना मीन वैल्यू थ्योरम, तो लिखोगे ना एफडेस सी माइनस एफडेस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश, इसके बीच में कोई पॉइंट होगा, सी वन ले लिया, ये वैल्यू जीरो दी हुई है बच्चे, ये वाली वैल्यू जीरो है, ये माइनस एफ डैश एक्स आया अपॉन सी माइनस एक्स आया, और ये एफ डबल डैश सी वन आ गया। दोनों तरफ मॉड अगर ले ले बच्चे, तो ये एफ डैश एक्स का मॉड इज इक्वल टू चाहो तो सी माइनस एक्स का मॉड एफ डबल डैश सी वन का मॉड लिख सकते हैं। यस सर। अब एफ डबल डैश हमेशा वन से कम है, तो ये तो वन से कम हो गया, और इसका जो डिफरेंस होगा, चूंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस ही वन है, तो ये जो आएगा डिफरेंस वन से कम आएगा, दिस इज लेस देन वन, दिस इज ऑल्सो लेस देन वन, तो एफ डैश एक्स का मॉड वन से कम हो गया। yes, तो जब भी एक्स सी से कम रहेगा तो हमने ये दिखा दिया कि एफ डैश एक्स का मॉड वन से कम है। के सेकंड एक्स अगर मान लो सी के बराबर है, तो एक्स अगर सी के बराबर है, हम सी पे ही चेक कर रहे हैं, तो सी पे एफ डेस सी तो जीरो था। बोलो, तो यहां पे एफ डेस एक्स का जो मॉड हुआ ये वन से कम हुआ ना। बोलिए बच्चे, भाई सी पे एफ डेस सी जीरो है, तो एफ डेस एक्स का जो मॉड हुआ वो ओबीएस से वन से कम हो गया, क्योंकि जीरो है तो वन से कम होगा ना। हम तीन केस ले रहे थे, हमको जीरो से वन के बीच में हर जगह पे दिखाना है एफ डेस एक्स का मॉड लेस देन वन, तो एक बार हम सी से पहले लिए, एक बार सी पे ले लिए, एक बार सी से ज्यादा पे ले लेते हैं। मान लो एक्स यहां पे ले लिए, सेम लॉजिक से एफ डेस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दो, तो एफ डेस एक्स माइनस एफ डेस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो जाएगा एफ डबल डैश, बीच में कोई पॉइंट ले लो, सी टू ले लो, ये जीरो है, तो एफ डेस एक्स का मॉड आ गया एक्स माइनस सी का मॉड एफ डबल डैश सी टू का मॉड हो गया बच्चे। एक्स माइनस सी ये डिफरेंस जो होगा वन से कम होगा, और एफ डबल डैश तो हमेशा वन से कम है, तो यहां से ये वन से कम आ गया बच्चे। अगर एक्स सी से बड़ा होगा तब भी ऐसी बात आ रही है, एक्स सी से छोटा होगा तब भी वही बात आ रही है, और सी पे भी वही बात आ रही है, यानी ओवरऑल जीरो से वन के बीच में, ओवरऑल इन जीरो से वन एफ डैश एक्स का जो मॉड होगा वो वन से कम हो जाएगा। यस सर। समझ में आया ये बात? यस सर।